ते रोजे हो गए नवरात्रे हो गए दोनों ही कठे कठे चलते पे ने सो ए लस्सी अजकल नहीं कर रहे क्योंकि जो सहरी वगैरह बनानी होंगी ए दुध लग जाता होगा ना। तो दोस्तों आज मैं कराऊंगी आप लोगों को होम टूर मड हाउस मिट्टी के बने हुए घर का। सो आप लोग वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त होंगे जिन्होंने ये मिट्टी का बना हुआ घर नहीं देखा होगा। इसमें रेत सीमेंट किसी चीज़ का यूज़ नहीं हुआ है। सो आप मेरे साथ एंड तक बने रहिए। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है, ये बाहर का आउटलुक है आप लोगों को हम दिखाते हैं और फिर मैं आपको पूरा होम टूर करवाऊंगी मिट्टी के घर का। ये ऐसे घर बहुत कम देखने को मिलते हैं तो आप मेरे साथ बने रहें। सो दोस्तों गुड इवनिंग, और मैं हूँ आज अपने विलेज में। यहाँ पर मैं आज आप लोगों को एक ऐसे घर की मिट्टी का जो बना हुआ घर है जिसमें एसी कूलर की ज़रूरत नहीं है गर्मियों के दिनों में भी, तो आज उस घर का विजिट मैं अभी घर का पूरा जो है होम टूर करवाने वाली हूँ तो दीदी अनकंफर्टेबल भी फील कर रहे हैं बट कोई बात नहीं, अभी मैं इसको जो है स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो है ये जो अरबी सो ये जो एरिया है बाहर मेन जो रोड और यहाँ से ये देखिए स्टार्ट हो जाता है और ये है इनका किचन आउटडोर जो किचन जिसको बोलते हैं। ये देखिए इसमें ये रोशनदान रखे हैं, यहाँ पे खाना जो बनाएंगे और यहाँ से इसका जो है धुआं निकलेगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो है पंजाबी कल्चर अभी भी जो इस तरीके से गांव में आपको मिलेगा। और आई थिंक इस समय शाम के समय जो खाना बनाना है वो एक अच्छा एनवायरनमेंट जो रहेगा, ठंडा मौसम भी है और खुली हवा में नेचर में जो खाना बन रहा है। तो इधर देखिए यहाँ जो है बर्तन धुलाई करके रखे हुए हैं और ये देखिए ये कि स्टील का है लस्सी फेरन वास्ते ये है। लस्सी तुम किन्ने बजे फेर दे हो? रोजे रखे हुए हैं और मैं नवरात्रे रखे हुए हैं, मेरा भी 7 दिन तो फास्ट चल रहा है। ते रोजे हो गए नवरात्रे हो गए दोनों ही कठे कठे चलते पे ने सो ए लस्सी अजकल नहीं कर रहे क्योंकि जो सहरी वगैरह बनानी होंगी ए दुध लग जाता होगा ना। सो ये उस तरीके नाल है और मेरा अज का ब्लॉग जो है हिंदी पंजाबी मिक्स है। और ये देखिए बर्तन वगैरह सारे करके यहाँ रखे हुए हैं। तो यहाँ से ही अभी हम घर की तरफ। अच्छा सबसे पहला पार्ट देखिए ये कितना अच्छे से कर रखा है, अगर कैमरा फोकस किया जाए तो ये घर की आउटलुक को शो करता है, ये कितना अच्छा है। तो अभी दी अंदर चले चलो। हाँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये दिखाना चाहूँगी कि ये जो है ये जो घास कह लो या फिर जो गेहूं की सॉरी चावल जो होते हैं ना धान जो होता है उसका जो पीछे वाला जो पार्ट है जब हम धान ले लेते हैं तो ये वो जो पराली है उसके साथ इसको कवर किया है और उसके ऊपर ये तरपाल जो है इसके ऊपर लगा रखी है और पीछे आप देख सकते हैं पेड़ है इसका, उसके पेड़ से इसको कवर है। तो गर्मियों के दिनों में ये ठंडा रहता होगा और सर्दियों में गर्म है ना। तो चलिए अभी यहाँ से अंदर एंट्री लेते हैं और ये तुसी देखो इधर ये अंदर एक किचन है, चूल्हा जो बनया होया है और इत्थे बैठ के जो है खाना बनाया जाता है। ते ए नाल ही समान जो है रखन की जगह है। इधर देखो ये सारी जो चीज है मिट्टी की बनी हुई है, इधर विच कोई सीमेंट का नहीं है और तो बहुत अच्छा आपने बना रखा। और देखिए माने इधर दिखाओ मास्क भी रखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि इस चीज को फॉलो नहीं किया जा रहा है। कपड़े टांगने के लिए ये मास्क को लगा रखा है, किसी जरूरी नहीं है कि इधर करो मेरी ओर जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपको अलमीरा या वार्डरोब की जरूरत है। जब घर को संभालना हो ना तो ये देखिए
इसको पेटी बोलते हैं, छोटी पेटी बड़ी पेटी है दोनों ही, तो बहुत सही तरीके से रखा है। इस पे डिजाइन देखो, और देखिए डिजाइन जो डाल रखा है। और आई थिंक इसके ऊपर जो है लिपाई की जाती होगी ना, मिट्टी और गोबर को मिक्स करके। हाँ, मिट्टी से सीमेंट में करते हैं। और ये पिलर बना रखे हैं पूरा मिट्टी का, ये भी है ना, ये भी मिट्टी का है पूरा। और मैं अभी आप लोगों को थोड़ा बाहर की तरफ दिखाती हूँ कि इनके पास कितनी सारी वो भैंस वगैरह है। मैं बेटा अभी लाई नहीं कुरकुरे, लेकिन सुबह लाऊंगी। ये सारी इनके पास जो है भैंस है, काफी सारी है जो दूध देती है। पर मैं सवेरे का दोस्तों ये है इनके घर बाहर का व्यू। तो इसके साथ इनका जो बेटा बोला कि मैं आंटी आपको घोड़ा दिखाऊं, और इन्होंने घोड़े भी पाल रखे हैं, और मैंने बोला ठीक है, तो वो राइडिंग करके दिखा रहा था। और यहाँ ये इनके घर के आगे बाहर का जो व्यू है बहुत अच्छा है। ये गांव के बाहर की साइड में इनका जो घर है, बाहर वाली साइड में। तो ऐसे घर दो लोगों दोस्तों बहुत कम मिलते हैं अभी, मिट्टी के घर। ये ठंडे भी होते हैं, गर्मियों में ये ठंडक देते हैं, सर्दियों में ये गर्म रहते हैं, और बिल्कुल पेड़ के नीचे ये घर है। तो मुझे इस घर में आकर के इसका होम टूर करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं उम्मीद भी कर रही हूँ कि आप लोगों को भी ये बहुत अच्छा लगा होगा। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। सो मैं दोस्तों अभी साथ में एक क्लिप ऐड की हूँ खाली घर का। तो यहाँ से देखिए हमने एंट्री किया था, और उसके बाद सीधा इनकी किचन आ जाती है, और इसी के साथ ये डंगर वगैरह बांधते हैं, और ये बेड लगा रखा है। और मैं इसलिए ये साथ में लगाई हूँ कि जब पहले हम वीडियो शूट कर रहे थे तो इनके घर में लाइट नहीं थी। तो ये आप पेटियाँ देख सकते हैं, पेंटिंग की हुई है। ऊपर देखिए झूले में एक छोटा सा संदूक रखा हुआ है। बर्तन देखिए कितने अच्छे से रखे हुए हैं, एकदम से चमकते हुए बर्तन। और ये बिल्कुल मिट्टी का बना हुआ ये घर है, ऊपर बाले डाल के घास वगैरह डाल के इसको बनाया हुआ है। तो दोस्तों क्या आप में से ऐसा कौन सा दोस्त है मेरा जिन्होंने ये वाले घर देखे हैं, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, अपनी फीडबैक मुझे बहुत दीजिएगा। तो मैंने ये एक मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अगर सच बताऊं तो मैं ऐसे घर में आकर के अपने आप को बहुत धन्य महसूस कर रही थी। और इन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इनके घर की शूटिंग कर लूं, और यहाँ से देखिए बाहर का व्यू भी दिखाई दे रहा है, तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और कल मैं फिर अभी गाँव का ही ब्लॉग लेके आऊँगी, और आप मेरे साथ बने रहें, अपना प्यार हमें ज़रूर दीजिएगा। कैसा लगा आपको ये हमारा आज का ब्लॉग बताइएगा। और मैंने ये घर को देखिए ऊपर से अच्छे से अगर आप देखेंगे तो कितनी मेहनत से ये बनाया हुआ है इन्होंने घर भी। सो ठीक है दोस्तों, मैं मिलती हूँ आप लोगों को कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।